लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दो अहम मामलों पर यह सुनवाई होगी, जहां लखनऊ में अलग अलग बेंचों में यह सुनवाई होनी है। तो शिक्षक भर्ती की आंसर की मामले पर यह सुनवाई होगी। बता दें कि रबर बेंच में आंसर की मामले में सुनवाई होगी और आरक्षण एवं एमआरसी मामले में भी सुनवाई होगी। तो मामला जब से सामने आया है तब से लटकता हुआ, और ऐसे में कई ऐसी याचिकाएं अब तक इस मामले में लग चुकी हैं, जिसको लेकर कई सुनवाइयां हुई, लेकिन मामला अब भी अधर में लटका हुआ है। हालांकि इस मामले को लेकर आज दो अहम मामले जो हैं इसमें उनको लेकर ये सुनवाई है। तो अलग अलग लखनऊ की जो अलग अलग बेंचें हैं उनमें ये सुनवाई होगी। और चंदमणि शुक्ला हमारे साथ फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। चंदमणि, एक तो आंसर की का मामला है और एक और मामला जिसको लेकर आज उम्मीद लगाए बैठे हैं वो कई अभ्यर्थी, जिनको उम्मीद थी कि अब जल्द से जल्द ही मामला तो सुलझेगा और उन्हें शायद पोजीशन भी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि आज दो अहम मामलों पर सुनवाई है, जिसमें उत्तरमाला प्रकरण पर भी सुनवाई होनी है, जिसको लेकर ये वही प्रकरण है जिसको लेकर भर्ती पर स्टे हुआ था और जिसके कारण अभी तक भर्ती रुकी हुई है। हालांकि जो डबल बेंच ने जो ऑर्डर किया था वो फेवर में किया था, भर्ती के सरकार के फेवर में किया था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये हाई कोर्ट को सौंप दिया था कि इस मामले पर सुनवाई करे। तो उसी मामले पर आज जो है वो डबल बेंच में सुनवाई होनी है। वहीं अगर हम बात करें एमआरसी के मुद्दे पर, तो एमआरसी के मुद्दे पर जो ओबीसी और एससी एसटी अभ्यर्थी हैं उनका लगातार कहना है कि जो आरक्षण सही तरीके से नहीं लागू किया गया और उसको लेकर वो लगातार चाहे कोर्ट में हो चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग में लगातार शिकायत कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कोर्ट क्या जवाब देता है। हालांकि सरकार की तरफ से जो कहना है वो साफ और सीधे तौर पर यही कहना है कि किसी प्रकार के जो आरक्षण के अधिकार हैं उनका किसी प्रकार का हनन नहीं किया गया है और जो भर्ती कराई गई है, जो लिस्ट जारी की गई है जो अभ्यर्थियों की, वो पूरी तरह से निष्पक्ष है और पूरी तरह से स्पष्ट है। जो आरक्षण के नियम हैं उन्हीं के आधार पर आरक्षण दिया गया। अब कोर्ट की काफ़ी अहम भूमिका बन जाती है, जिस तरह से अभ्यर्थी लगातार ये कह रहे हैं कि आरक्षण को सही से लागू नहीं किया गया, तो अब कोर्ट के निर्णय पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो किस तरह से निर्णय देंगे। अब तक जिस तरह से पूरा मामला चला है और अब तक जितनी भी सुनवाई हुई है उसके मुताबिक आज क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्या कोर्ट की तरफ से यहाँ पर चीजें सामने आ सकती हैं? कि देखिए, काफी अगर इस भर्ती की बात करें तो इस भर्ती में रोज एक नया केस होता है और रोज एक नया विवाद होता है, तो इस भर्ती के बारे में कुछ भी पहले कहना जल्दबाजी होगा। कोर्ट के निर्णय के बाद ही उस पर कुछ कहा जा सकता है। हालांकि अभ्यर्थी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, जो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनकी भर्ती हो जाए, और जिनका नहीं हुआ है वो किसी न किसी तरीके से सिलेक्शन पाना चाहते हैं। यही कारण है कि आज भी कहीं ना कहीं इस मामले की सुनवाई से जुड़ी हुई है अभ्यर्थियों की, कि आखिरकार कुछ तो मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ देखिए, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट का क्या कुछ इसमें रुख रहता है। धन्यवाद आपका चंदमणि, हमारे साथ जुड़ने के लिए।